मैकेनिज्म ऑफ लेबर की बात करें देखिए मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या है, कुछ स्टेप्स हैं जो फीटल हेड फॉलो करता जाएगा, ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं फॉलो बाय फीटस हेड टू द डिलीवरी। डिलीवरी के लिए फीटस हेड कुछ स्टेप्स फॉलो करता है, उन स्टेप्स को आप क्या बोलते हो, उन स्टेप्स को आप बोलते हो मैकेनिज्म ऑफ लेबर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद नॉर्मल जो लेबर होती है उसके बारे में कुछ बातें जानते हैं, फिर पढ़ते हैं अपना टॉपिक। नॉर्मल लेबर के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, प्रेजेंटेशन कौन सी होती है, तो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन है वो है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन जिसमें प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा है, प्रेजेंटिंग पार्ट है वर्टेक्स, इसीलिए इसको वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं, है ना, सिंपल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं। लाई की बात करूं तो लाई आपको लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलेगी, क्योंकि ज्यादातर वही होती है, नॉर्मल कंडीशन में लॉन्गिट्यूडनल लाई देखने को मिलेगी। पोजिशन की बात करूं, ठीक है, तो पोजिशन कौन सी मिलती है, लेफ्ट ओसिपिटल एंटीरियर LOA देखने को मिलती है, ठीक है, लाई पोजिशन। डिनोमिनेटर की बात करें, तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के लिए डिनोमिनेटर होता है ओसिपिटल, ठीक है, ओसिपिटल जो है वो क्या रहेगा, वो डिनोमिनेटर रहेगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के साथ। तो ये कुछ बेसिक कंडीशन थी जहां पे लेबर की डिलीवरी होने वाली है। मदर को कौन सी पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस, लेबर या डिलीवरी, तो ये देते हैं, कौन सी देते हैं, यही लिख देते हैं, डोर्सल पोजीशन विद 15 डिग्री लेफ्ट टिल्ट, लेटरल टिल्ट, 15 डिग्री लेफ्ट लेटरल टिल्ट, ये पोजीशन देते हैं डोर्सल पोजीशन, ठीक है, लिटाने के बाद थोड़ा सा लेफ्ट साइड में कर देते हैं 50 डिग्री पे कॉमनली, अदरवाइज सुपाइन भी दे सकते हैं विद हेड लिफ्ट, हेड साइड को लिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, ये देते हैं, ये पोजीशन देखने को मिलती है मैकेनिज्म ऑफ लेबर में। यहां तक समझ में आया, उसके बाद बात करते हैं स्टेप्स की। तो अब वो कौन से स्टेप्स हैं जो फीटल हेड ऑक्यूपाई करता है ताकि वो आराम से डिलीवरी हो जाए। स्टेप्स, तो स्टेप्स के नाम की ट्रिक बनाई हमने, EDF, आइस, रेड, ठीक है, कैसे भाई, आप PDF बोध बनाते हो, PDF का जो पहला अक्षर है P उसको हटा के E लगा दो, EDF क्या बन गया, EDF। इस टाइप से आपको पहला जो तीन जो स्टेप्स है वो याद होंगे। उसके अलावा आइसक्रीम का आइस तो आपको याद हो ही जाएगा, आइस और रेड, ठीक है, तो ये आपको बनाना है, पूरा याद रखना होगा, क्या है भाई, EDF आइस रेड, क्या है, EDF आइस रेड, ठीक है, PDF का P हटा के उसकी जगह E लगा दो, EDF आइस रेड, लाल कलर की आइसक्रीम खानी है आपको, ठीक है, ये लाल कलर की आइसक्रीम आपको PDF में बनानी है, PDF फॉर्मेट में,
तो ये आप इस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ लेबर याद रख सकते हो। इनके स्टेप के नाम याद रखने हैं, क्या क्या नाम है भाई, देखो ई से है एंगेजमेंट, एंगेजमेंट, डी से डिसेंट, एफ से फ्लेक्शन, आई से इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, ठीक है, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, सी से क्राउनिंग, सी फॉर क्राउनिंग, ठीक है, ई फॉर एक्सटेंशन ऑफ हेड, आर मींस रेस्टिट्यूशन, ई मींस एक्सटर्नल रोटेशन, और डी मींस डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड फीटर्स। ये सारे स्टेप्स हैं, ठीक है, इन ये सारे स्टेप्स हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के, आपको याद रखने होंगे। ईडीएफ आइस रेड, ठीक है, ई मींस एंगेजमेंट, डी मींस डिसेंट, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, सी मीन्स क्राउनिंग, ई मीन्स एक्सटर्नल रोटेशन, एक्सटेंशन ऑफ हेड, आर मीन्स रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, और डी मीन्स डिलीवरी ऑफ शोल्डर एंड फिटस, ठीक है। अब बात करते हैं एक स्टेप की, देखिए फर्स्ट स्टेप है एंगेजमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट की बात करें तो एंगेजमेंट क्या है, एंगेजमेंट है जीरो स्टेशन पे हेड का आना, हेड कहां पे आ जाए, जीरो स्टेशन पे आ जाए, जीरो स्टेशन मतलब इसियल स्पाइन, ये इसियल स्पाइन है, इसियल स्पाइन के लेवल पे अगर हेड आ जाएगा जीरो लेवल पे, इसको बोलते हैं जीरो स्टेशन, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा एंगेजमेंट में, ठीक है, एंगेजमेंट में क्या होता है, फीटस का हेड जो फिक्स हो जाता है, जैसे एंगेजमेंट में अंगूठी पहनाई जाती है तो अंगूठी फिक्स हो जाती है हेड के उंगली के अंदर, वैसे यहाँ पे फिक्स हो जाएगा हेड यहाँ पे इसियल स्पाइन के बीच में, इसी को आप बोलते हो एंगेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है तो पहला स्टेप ही होता है, शादी से पहले भी एंगेजमेंट ही होती है, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा एंगेजमेंट, ठीक है। मतलब क्या होता है, जीरो स्टेशन पे हेड का आ जाना, जीरो स्टेशन मतलब, जीरो स्टेशन मतलब इसियल स्पाइन के लेवल पे हेड पहुंच जाए, इतना आ जाए, उसको क्या बोलोगे, एंगेजमेंट। पहले की ट्रिक ई थी, ईटीएफ था, तो डी मींस डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, देखिए ये यूट्रस है, यूट्रस में ये फीटस है, फीटस का डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट, क्यों, ऊपर से हो रहा कॉन्ट्रेक्शंस, तो क्या है डाउनवर्ड मूवमेंट में, डाउनवर्ड मूवमेंट किसकी, फीटल, फीटस की, फीटस की डाउनवर्ड मूवमेंट जो होती है उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट। ये प्रोसेस सेकंड स्टेप पे नहीं है, बेसिकली कंटिन्यू प्रोसेस है थ्रू आउट द मैकेनिज्म ऑफ लेबर, पूरे मैकेनिज्म ऑफ लेबर की स्टेप्स में ये कंटिन्यू प्रोसेस है, तो ये सिर्फ यहाँ पे काउंट नहीं होगी, एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा इसका, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है,
ठीक है, सभी स्टेप में कंटिन्यूसली डिसेंड होता रहता है यूट्रस का, फिटस का। ठीक है, ये था सेकंड स्टेप डिसेंड। डिसेंड के बाद ई डी एफ था। अब बात करेंगे फ्लेक्शन की। फ्लेक्शन, फ्लेक्शन में क्या होता है देखो, यूट्रस ऊपर से फोर्स लगाता है, नीचे से सर्विक्स, वेजाइनल ओपनिंग, पेल्विक पैड, ये सारा जो स्ट्रक्चर है ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। ठीक है, फीटस, यूट्रस जो है डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट जो नीचे वाले जो पार्ट है, सर्विक्स है, पेल्विक फ्लोर है, वेजाइनल वॉल है, ये अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं प्रेशर, अपवर्ड फोर्स क्रिएट कर रहे हैं। अपवर्ड फोर्स जब यहां पे लगी तो हेड जो है फ्लेक्स हो जाएगा, मुड़ जाएगा। ठीक है, हेड का फ्लेक्शन, इसी को बोलते हैं फ्लेक्शन ऑफ हेड। ठीक है, तो डिलीवरी से पहले पूरा फीटस फ्लेक्स हो जाता है ना, फुल एटीट्यूड में आ जाता है, तो यहाँ पे फ्लेक्स हो जाएगा, हेड जो है अभी सीधा है, तो इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कि इस डायरेक्शन के इनका जो लेंथ थी वो कम हो जाएगी, फ्लेक्स हो गया, अभी भी घूम गया, इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, हुआ क्यों? क्योंकि नीचे वाले जो स्ट्रक्चर है उन्होंने दबाव लगाया, ऊपर से भी दबाव आ रहा है, तो फीटस मूव करके फ्लेक्स हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, ये था फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के बाद बात करें आई, आई मीन्स इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड, देखिए पोजीशन आपने पढ़ी थी कि हेड यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, उसके भी आप पे होता है, कहीं भी हेड होगा वो वापस सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, कहाँ आना पड़ेगा? सिम्फाइसिस प्यूबिस पे। तो बेसिकली कहाँ पे, या तो ज्यादातर यहाँ पे देखने को मिलता है या यहाँ देखने को मिलता है। ये कौन सी पोजीशन है? लेफ्ट ओसिपिटल एंटीरियर और लेफ्ट ओसिपिटल ट्रांसवर्स, ये पोजीशन है, इनमें ज्यादातर देखने को मिलता है। तो पहले हम एक बार लेके चल लेते हैं कि फीटस का हेड यहाँ पे है, तो यहां से कितना रोटेशन होगा? इंटरनली अभी हेड रोटेट हो रहा है, इसी को बोलते हैं इंटरनल रोटेशन, अंदर ही हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा। और कहाँ कितना हो रहा है? तो देखो ये जो 45 डिग्री का एंगल होता है, तो 45 डिग्री हेड रोटेशन होता है। ठीक है, या मैं इस पूरे हिस्से को डिवाइड करूं तो ये आठ आठ भागों में डिवाइड हो जाएगा, तो आठ का एक हिस्सा डिवाइड है, तो 1/8 रोटेशन हुआ। ठीक है, 1/8 रोटेशन हुआ यहाँ पे हेड का, रोटेशन ऑफ हेड। ठीक है, अगर कब, जब ये LOA पोजीशन है, LOA मतलब लेफ्ट ओसिपिटल एंटीरियर, लेफ्ट ओसिपिटल एंटीरियर जब पोजीशन होगी उस दौरान 45 डिग्री हेड रोटेट होगा। ठीक है, टुवर्ड द प्यूबिक सिम्फाइसिस, या 1/8 रोटेशन होगा हेड का। ठीक है, लेकिन अगर पोजीशन हो लेफ्ट ओसिपिटल ट्रांसवर्स, अगर पोजीशन ये हो तो फिर हेड रोटेट होगा 2/8 रोटेशन, 2/8 रोटेशन, या फिर कितने डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री, 90 डिग्री हेड रोटेशन, फिर आपको 90 डिग्री रोटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कब देखने को मिलेगा? जब फीटस का हेड होगा यहाँ पे, फीटस का हेड यहाँ पे है, तो
तो 90 डिग्री रोटेट करेगा, या दो हिस्से बनेंगे पूरे 8 में से, तो 2/8 रोटेशन या 90 डिग्री रोटेशन आपको हेड का देखने को मिलेगा। इस स्टेप में आई में इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में हेड जो है वो प्यूबिस सिंपाइसिस पे आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? प्यूबिस सिंपाइसिस पे आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें आई के बाद सी, है ना, सी की बात करें तो सी मीन्स क्राउनिंग, देखिए क्राउनिंग का मतलब क्या होता है, क्राउनिंग का मतलब है विजुअलाइजेशन ऑफ हेड बाय वेजाइनल एग्जामिनेशन। अगर आपको एग्जामिन होने लग जाए, दिखने लग जाए बाहर की तरफ, तो इसको आप क्या बोलोगे? क्राउनिंग बोलोगे। क्या बोलोगे? क्राउनिंग बोलोगे। कौन सी? अच्छा, और एक पॉइंट यहाँ पे, बाई पैराइटल डायमीटर देखने को मिलता है फीटस का, ठीक है, जिसका मेजरमेंट 9.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे कौन सा डायमीटर जो है होता है क्राउनिंग के टाइम पे, तो बाई पैराइटल डायमीटर है। कौन सा है? बाई पैराइटल डायमीटर, ठीक है। और ये बाई पैराइटल डायमीटर 9.5 होता है। बाई पैराइटल डायमीटर कहाँ, किस किस के बीच में होता है? तो जो पैराइटल एमिनेंस होते हैं, पैराइटल एमिनेंस लेफ्ट और राइट दोनों साइड के, उनके बीच की लेंथ होती है और 9.5 सेंटीमीटर मेजरमेंट होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको डायमीटर क्राउनिंग में ये देखने को मिलेगा, ठीक है। क्राउनिंग के बाद ई पढ़ते हैं। ई मीन्स एक्सटेंशन ऑफ हेड। एक्सटेंशन ऑफ हेड, अब हेड की क्राउनिंग होगी तो हेड एक्सटेंड होता है। देखिए हेड जैसे ही अभी फ्लेक्स है, फुली फ्लेक्स्ड है हेड लाइक दिस, ठीक है, फुली फ्लेक्स है यहां पे, है ना, पूरी तरीके से, और वेजाइनल ओपनिंग यहां पे है। तो जैसे ही हेड फ्लेक्स होगा, सॉरी एक्सटेंड होगा, वैसे ही हेड की डिलीवरी हो जाएगी। हेड जो है वो बाहर की तरफ निकले आएगा, इसी को बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ हेड। बेसिकली यहां पे क्या होती है? डिलीवरी ऑफ हेड होती है। कैसे? बाय एक्सटेंशन ऑफ हेड। कैसे? एक्सटेंशन ऑफ हेड। अब आ जाओ यूट्रस पे, देखिए यूट्रस ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, नीचे से भी प्रेशर लगता है। ऊपर से कौन से प्रेशर होते हैं, नीचे से कौन से? देखो ऊपर से आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण लग रहा है, यूट्रस के कारण लग रहा है। कुछ नीचे से भी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, कौन कौन सा? अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, अपवर्ड एंड फॉरवर्ड, किसके द्वारा? पेल्विक फ्लोर, वेजाइनल वॉल, सर्विक्स, इनके द्वारा ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। एक ऊपर से प्रेशर आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है। नीचे से जो प्रेशर है वो फॉरवर्ड भी आ रहा है, ऊपर और नीचे वाला जो प्रेशर है ये हो जाता है न्यूट्रलाइज्ड, ये हो जाता है न्यूट्रलाइज्ड, और बस तक कौन सा है? फॉरवर्ड प्रेशर बढ़ता है, फीटस बाहर की तरफ, हेड जो एक्सटेंड होके बाहर निकल जाता है, और क्या हो जाती है? डिलीवरी ऑफ हेड हो जाती है। क्या हो जाती है? डिलीवरी ऑफ हेड हो जाती है, ठीक है। इनकी जो इमेजेस है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में जो है एक पूरा सेट इमेजेस का दिखा देंगे, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। बेसिक जो मतलब है वो मैं आपको समझाता चलूंगा।
एक बेसिक जो फिजियोलॉजिकल डायग्राम है वो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन ऑफ हेड हो गया, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ हेड हो जाती है ई, आई सी ई। हमने आइस भी पढ़ लिया, हमने पीडीएफ भी पढ़ लिया, अब बात करते हैं रेड की, आर। तो अब बात करेंगे आर, आर मीन्स रेस्टिट्यूशन। ठीक है, रेस्टिट्यूशन मतलब क्या है इसका, देखिए अब हेड की डिलीवरी हो चुकी है, हेड की डिलीवरी के बाद हेड का रोटेशन होता है दोबारा, हेड का रोटेशन होगा। बेसिकली ये जो स्टेप है अपोजिट टू इंटरनल रोटेशन है। ठीक है, यहां पे हेड यहां पे था, पोजीशन की बात करते हैं, यहां पे था, यहां से यहां पे आया, वापिस अब हेड की डिलीवरी होगी, अब वो वापिस जो अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करके वापिस जितना इंटरनल रोटेशन में रोटेशन हुआ था 45 डिग्री हुआ था 90 डिग्री, उतना ही वापिस हेड निकलने के बाद अपने टॉर्जन को जो घुमाव है उसको ठीक करने के लिए करता है, इसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इंटरनल रोटेशन का अपोजिट स्टेप होता है बेसिकली, हेड का रोटेशन होता है आउटसाइड द बॉडी। पॉइंट नंबर सेकंड क्या होता है, इंटरनल रोटेशन का अपोजिट होता है, मान लो 45 डिग्री रोटेशन हुआ था इंटरनल, तो वापस एक्सटर्नल 45 डिग्री अपोजिट रोटेशन होता है, अगर 90 डिग्री होता तो 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू रोटेशन, जितना इंटरनल रोटेशन में हुआ था हेड का रोटेशन उतना ही अब आपको रेस्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो ये था आर से रेड, आर रेड का जो स्टेप है आर। इसके बाद ई की बात करते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, यहां पे भी हेड का रोटेशन होगा। ठीक है, कितना, 1/8 रोटेशन ऑफ हेड। ठीक है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ शोल्डर। ठीक है, अब शोल्डर की डिलीवरी होने वाली है। ठीक है, शोल्डर की डिलीवरी होती है हेड के बाद, शोल्डर की डिलीवरी के लिए भी उसको रोटेशन में आना पड़ेगा, सेम रोटेशन होगा, तो वहां पे भी 1/8 रोटेशन होगा, अगर वही सेम फॉर्मूला फॉलो होगा, इंटरनल में 1/8 होगा, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में रेस्टिट्यूशन हुआ है उसी डायरेक्शन में 1/8 रोटेशन और होगा। देखिए ये था नॉर्मल पोजिशन इंटरनल, ये यहां पर आई थी, कब आई थी, इंटरनल रोटेशन पे, इंटरनल रोटेशन। इसके बाद वापस हेड की डिलीवरी के बाद वापस जो ये हेड है ये यहां से यहां चला गया। ठीक है, कब गया, रेस्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद 1/8 रोटेशन ले लेते हैं इसको, ये 1/8 है, अब थोड़ा सा 1/8 रोटेशन और होगा ये स्टेप कंप्लीट करने के लिए, कौन सा, एक्सटर्नल रोटेशन। ठीक है, इसी के साथ जब ये रोटेशन होता है तो शोल्डर जो है वो लेटरल पोजीशन में आ जाती है, डिलीवरी के लिए रेडी हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, लेटरल पोजीशन में आ जाती है शोल्डर। ठीक है, एक्सटर्नल, दोबारा समझो एक बार, देखिए क्या क्या बताया मैंने इसमें, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड होना है इसमें, जिस डायरेक्शन में रेस्टिट्यूशन हुआ था अभी मान के चलो इतना हुआ है, अब उसी डायरेक्शन में और ज्यादा होने वाला है। ठीक है, पॉइंट नंबर वन। दूसरा 1/8 रोटेशन होगा, कितना रोटेशन होगा, 1/8 रोटेशन होगा जनरली। इसके बाद शोल्डर जो है वो एंड लेटरल फ्लेक्शन में आ जाएगी, तिरछी हो जाएगी, लेटरल फ्लेक्शन में डिलीवरी के लिए रेडी हो जाएगी। ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है एक्सटर्नल रोटेशन में। इसके बाद लास्ट स्टेप है डी, टी मीन्स डिलीवरी ऑफ शोल्डर
एंड फिटस, पहले शोल्डर की फिर फिटस की। देखिए क्या होता है, पहले एंटीरियर शोल्डर की डिलीवरी होती है, ठीक है, देन पोस्टीरियर शोल्डर की, किसके द्वारा, लेटरल फ्लेक्शन ही होता है इनमें भी, है ना, एक साइड लेटरल होता है। उसके बाद डिलीवरी ऑफ फीटस, ठीक है, और क्या हो जाती है, फीटस की डिलीवरी हो जाती है। लेटरल फ्लेक्शन में आया, पहले एंटीरियर शोल्डर बाहर आया, फिर पोस्टीरियर शोल्डर बाहर आया, उसके बाद पूरा ट्रंक और फिर बॉडी बाहर। ये है सारे स्टेप मैकेनिज्म ऑफ लेबर के, ठीक है, ये थे मैकेनिज्म ऑफ लेबर के सारे स्टेप जो मैंने आपको करा दिए। ट्रिक क्या है, ट्रिक है ईडीएफ आइस रेड, ईडीएफ आइस रेड, ये याद रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे आप इस